हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 एमएससी वर्किंग टुगेदर। आपको साथ साथ वर्क करना चाहिए, फुलफिल योर रोल्स। आपको अपने जो भी रोल्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने रोल्स को पूरा करना है। इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 में क्या स्टडी करेंगे ये हम बात करते हैं। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 वर वेरी हैप्पी। क्लास 3 के स्टूडेंट बहुत खुश थे बिकॉज दे वर गोइंग टू परफॉर्म इन अ म्यूजिकल प्ले ऑन द एनुअल डे फंक्शन। क्योंकि वे सभी कहाँ जा रहे थे, परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे एक म्यूजिकल प्ले ऑन द एनुअल डे फंक्शन। सम वर गोइंग टू सिंग, कुछ गाने के लिए जा रहे थे। सम डांस, कुछ डांस के लिए। और सम वुड परफॉर्म सम रोल्स बैक स्टेज, कुछ बच्चे स्टेज पर कुछ रोल बैक करने वाले थे। द वन हु वर असाइंड बैक स्टेज, एक बच्चा जो कि बैक स्टेज के लिए असाइन किया गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर अनहैप्पी, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से वो अनहैप्पी था बिकॉज दे वुड नॉट बी सीन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, क्योंकि वो स्टेज पर कुछ भी देख नहीं सकता था। व्हेन द टीचर इन चार्ज नोटिस्ड दिस, जो टीचर इन चार्ज थी उसने इस चीज को नोटिस कर लिया, बिकॉज बेटा आपके टीचर सभी चीजें नोटिस करते हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो टीचर ने नोटिस कर किया। सी कॉल्ड एंड टॉक टू ऑल देम, और उसने बुलाया और उन सभी से बातें की। सी सैड एवरी रोल इन द दिस प्ले वेदर ऑन स्टेज और बैक स्टेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उसने बताया कि हर एक रोल इस प्ले में, सभी रोल चाहे वो बैक स्टेज हैं या स्टेज पर हैं, सभी इक्वल ही इम्पोर्टेंट हैं। एवरी वन ऑफ यू फेल्स टू डू हिज और हर टास्क वेल, हर एक बंदा अपने वर्क को, आप में से सभी फेल हो जाएंगे करने के लिए, चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, अपने टास्क को अच्छे से। इट विल इफेक्ट द होल डे, होल प्ले, ये पूरे प्ले को इफेक्ट करेगा। एंड इफ ऑल ऑफ यू डू वेल, अगर आप सभी लोग अच्छा करेंगे, द प्ले विल बी सक्सेसफुल, तभी प्ले क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। ऑल ऑफ यू आर ए टीम, आप सभी एक टीम हैं, एंड यू आर वर्किंग टूगेदर, और आपको एक साथ काम करना है टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द प्ले। किसके लिए काम करना है आपको, सक्सेस ऑफ द प्ले के लिए, जो आपका प्ले है वो आपका सक्सेसफुल हो, चाहे आप स्टेज पर रहें या स्टेज से पीछे रहें। ओके, इट इज जस्ट दैट ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और बेटा ये आप सभी को अलग अलग रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं। एवरी रोल इज इम्पॉर्टेंट, हर एक रोल इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप अपनी लाइफ में भी याद रखें कि एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट। नो टास्क इज बिग और स्मॉल, कोई भी टास्क बड़ा या छोटा नहीं होता है। ऑल आर नीडेड एंड आर इम्पॉर्टेंट, सभी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का और बहुत सारी मूवीज का डायलॉग, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी काम आप ईमानदारी से करते हो, ऑनेस्टली करते हो, वो सभी काम कैसे होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया। देयर टीचर एडेड, उनके टीचर ने ऐड किया, एवरी वन कैन नॉट प्ले, हर बंदा नहीं खेल सकता है, एंड लीड रोल, हर एक बच्चे को लीड रोल नहीं मिल सकता है। स्पीक द सेम लाइन्स और वियर द सेम कॉस्ट्यूम, हर एक बच्चे को आप एक जैसा रोल नहीं दे सकते हो, हर बच्चे को आप एक जैसा बोलने के लिए नहीं दे सकते हो, हर बच्चे को एक जैसी कॉस्ट्यूम नहीं दे सकते हो, ये सब वेरी करता है, जैसा रोल वैसा ही मिलता है। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल वुडंट दैट बी बोरिंग, अगर ऐसा होगा पॉसिबल भी तो आप ही बोर फील करोगे। एवरीवन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले, हर प्ले के अंदर हर एक बंदे बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट रोल होता है।
differences in roles make work interesting. अगर आपकी लाइफ में differences होंगे तभी तो, मान लो आपको रोजाना कहा जाए एक ही सीरियल को, मोटू पतली को पतलू वाले को देखने के लिए कहा जाए कि रोज एक को ही देखते रहिए, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप बोर हो जाएंगे, अरे यार ये तो मैंने देख चुका हूँ। तो अगर सारे बच्चे एक जैसे रोल करेंगे, एक जैसी कॉस्ट्यूम करेंगे, एक जैसा डांस करेंगे या सिंगिंग ही करेंगे, तो आप भी बोर हो जाओगे, आप सामने ऑडियंस बन के बैठे होगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। तो डिफरेंस जरूरी होता है। इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड इट इन इज दिस डिफरेंस दैट ऑल मे ऑल्सो मेक्स नेचर वर्क एज अ टीम। तो अगर आप अपने चारों तरफ भी देखते हो तो आप देखोगे कि चेंजेस भी होते हैं। अब आप कहीं घूमने जा रहे हो बेटा, तो आप क्या देखते हो, कहीं पे तो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, आप बिल्डिंग्स की तरफ देख रहे हो, कहीं आपको बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं फ्लावर्स, कहीं हिल्स, कहीं माउंटेन्स, कहीं वाटर रिवर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हो तो आपको डिफरेंट चीजें मिलती हैं जो आपकी लाइफ को क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग। आप अपने को आपको चेंज, एक जगह ही रहते हो आप तो बोर हो जाते हो, फिर अपने आपको चेंज करने के लिए आप किसी अदर कंट्री में जाते हो, नानी के घर जाते हो या किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट हो, आपकी लाइफ इंटरेस्टेड बने। व्हेन द प्ले वाज ओवर देयर टीचर सैड, जब प्ले ओवर हो गया टीचर ने कॉल ऑफ यू हैव डन वेल, आप सभी ने अच्छा किया। ऑल ऑफ यू वर्क एज अ टीम जस्ट लाइक नेचर, आपकी पूरी टीम ने की तरह वर्क किया आप सभी ने, जैसे कि नेचर करता है। टीम वर्क मीन्स टू परफॉर्म द रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवेन टू यू इन बेस्ट वे। टीम वर्क का मतलब क्या होता है कि जितने लोग आप एक साथ काम कर रहे हो वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें और जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको अच्छे से प्ले करें, करें, ठीक है, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट टाइम द चिल्ड्रन हु वर बैक स्टेज विल बी ऑन द स्टेज। अब जब नेक्स्ट जो फंक्शन होगा, नेक्स्ट प्ले होगा, वहां पर जो बच्चे बैक स्टेज थे वो फ्रंट स्टेज आ जाएंगे। ऑल द चिल्ड्रन अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टूगेदर एज अ टीम टू मेक द प्ले ए सक्सेस। सारे बच्चों को समझ आ गया कि एक टीम वर्क की सभी का अपना पूरा रोल होता है। देखो बेटा, अगर कोई माइक देख रहा है, कोई पीछे से बच्चों को तैयार करके भेजा, रेडी कर रहा है, अगर वही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्ले तो अपने आप खराब हो जाएगा। तो सभी का एक मेन रोल होता है। दे ऑल सैड वी विल वर्क टूगेदर एज टीम इन द फ्यूचर ऑल्सो। उन सभी ने क्या बोला कि हम फ्यूचर में भी एक टीम वर्क की तरह ही करेंगे, अच्छा करेंगे। What you learned in this? I learned every work is equally important, whether it is big or small. हर वर्क इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा। It in a team, everyone work together towards the same goal. एक टीम के अंदर सभी को क्या होता है, सबका गोल होता है, everyone work together अपने गोल के लिए। Everyone has a role in रोल टू प्ले इन लाइफ। किसी भी बंदे का, हर एक बंदे का, मतलब एवरी वन मीन्स हर एक बंदे का अपना रोल होता है लाइफ में प्ले का। वी शुड वर्क टूगेदर, हमें कैसे काम करना चाहिए, साथ साथ। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको देखेंगे। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है बीइंग जॉयफुल, अनहैप्पी बीइंग सैड। टीम ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डू समथिंग टूगेदर, टूगेदर विद अदर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ए ड्यूटी टूवर्ड समथिंग, रोल प्लेइंग ए पार्ट इन सम वर्क। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। नेचर्स रोल, करण ऑब्जर्व नेचर एंड रियलाइज दैट इनडीड ऑल बिग एंड स्मॉल थिंग्स had different roles to play, but each role was as important as the other. He realized that the invisible wind was as important as the black clouds in bringing down rain. तो करंस का ये ऑब्जर्वेशन था।
our roles are be responsible for role which you are given. जो भी आपको काम दिया गया है, रोल दिया गया है, उसको आप अच्छे से करें. Every role is important. Be succeed when we work together. तभी हम successful होते हैं जब हम work together करते हैं. ये worksheet है. Tick the correct and cross if wrong. Some class 3 students were very unhappy. Yes, कुछ बच्चे very unhappy थे और कुछ happy थे. The children working in the backstage were very happy. नहीं, वो unhappy थे. Every part of nature also has a role to perform. Yes, nature का हर part का अपना एक role होता है perform करने के लिए. No work is big or small. Every work is important. बिल्कुल, every work is important. कोई work छोटा या बड़ा नहीं होता. The students work together and the play was a successful. Students ने एक साथ work किया और play कैसा रहा? Successful रहा, बिल्कुल रहा. Fill in the blank. Now we have fill in the blanks in which we are getting some words. 5 words: team, equally, role, unhappy, responsibilities. So first fill in the blank. Every role is equally important. तो first में क्या आएगा? Equally important. The students with backstage responsibilities were very unhappy. They are not feeling happy in starting. But बाद में teacher ने उनको समझाया तो वो समझ गए थे. The teacher explained that each person has a two play. क्या होता है? एक proper role होता है. Third में क्या आएगा? Role to play. The teacher said all of you are team. सभी क्या है? एक टीम की तरह है. अगर आप लोग मिलके काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है? टीम. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज डिफरेंट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर.